टाइम न्यूज़। आज हम लोग हैं लौनी की खड़गड़ी गांव के अंदर, जहां पर चौपाल है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा पहले तो इस चौपाल को दिखा दें सारी की, ये किस तरीके की चौपाल है। यहां पे हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, सभा खत्म हो चुकी है, कुछ लोग यहां से जा चुके हैं, कुछ लोग और उपस्थित हो रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? रवि। रवि भाई, क्या सोच के हाजी अकील जी को पूरे गाँव ने समर्थन दिया, वो बताएं। हमारे अपने हैं। नहीं, क्या विषय रहा कि मतलब हाजी अकील को चुना जाए, जबकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी ताल ठोकने लग रहे हैं कि भैया मदन भैया भी हैं, नंदकिशोर गुर्जर जी भी हैं और भी तमाम लोग हैं, तो क्यों हाजी अकील ही पसंद आए? क्या लगता है कि विकास कर पाएंगे? सबका अपना अपना मत है ना जी, कोई क्या कर पाए कोई, तो इसी वजह से अपने ये अपने अपने हैं तो पूरा गांव इनको साथ देगा। बाबू जी, क्या नाम है आपका? महावीर। महावीर जी? हाँ जी। महावीर जी, क्या लगा हाजी साहब में ऐसा? ठीक है, गजी अपना है इसलिए इनको वोट मिलकर दी जाए। आशीर्वाद दो ही ना, वोट दी जाए तो पूरे गाँव का समर्थन मिलेगा। बाबू जी, पूरे गांव का समर्थन है? पूरे गांव का। अच्छा, पूरे गांव ने पहले से सभा बैठाई कि भैया हाजी अकील को बुलाया जाए नहीं बुलाया जाए, उसके बाद यहां पर सबको मीटिंग रही। बाबू जी, क्या कहना चाहेंगे? सारे आपने तो कई सारे चुनाव देखे हैं, यहां पे आते जाते देखे हैं, तो क्या लगता है बहन जी की सरकार सबसे बढ़िया सरकार थी? नहीं थी, बढ़िया राज था उनका, मतलब लगता है कि सारा न्याय व्यवस्था मिलती है बहन जी के राज में, नहीं मिलती है? मिलती है। क्या कहना चाहेंगे बाबू जी आप? जो हमारा पहला खड़ा हुआ हम अपने को दी जाएगी, दूसरे को बाद में दी जाएगी। मतलब हाजी अकील को पहले दी जाएगी? पहले दी जाएगी। हाजी अकील को आप देख रहे होंगे पूरे गांव का समर्थक है, यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने कांग्रेस बीजेपी और तमाम पार्टियों को आते जाते देखा है, लेकिन इस वक्त जो पूरा मन बना रखा है, पूरे गांव ने बना रखा है कि विकास का एक ही नारा है, वो है बहन कुमारी मायावती बसपा, उधर जाते हुए नजर आते हैं। सर, ये खाली हो तो हम लोग बात कर लें। क्या नाम है सर आपका? इधर करो जी, नाम तो बताओ। वीरेंद्र। वीरेंद्र भाई, क्या मन है इस बार? मायावती की सरकार बढ़िया रही, मायावती सरकार में न्याय मिलता है, मतलब सर्व समाज की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती है। मायावती के ज्यादातर कौन है जी इसका? मायावती का ज्यादा बढ़िया रहता है, मतलब सर ऐसा तो नहीं जाति आधार पे बात होती है यहाँ पे? जाति आधार पे कोई बात नहीं है, मायावती को ज्यादा हिंदू मुस्लिम की बात है, यहाँ पे सिर्फ विकास की बात होगी, विकास की बात है। आप देखेंगे कि ये खड़गड़ी गांव है, पूरा मन बनाए बैठे हैं कि इस वक्त जो है वो बहन जी ही विकास कर सकती हैं, और विकास कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए पूरे गांव ने मन बना लिया है कि इस वक्त सिर्फ हाजी अकील को वोट देंगे। क्या कहना चाहेंगे बाबू जी? कोई मन परिवर्तन तो नहीं है? ना 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 है? ना जी, पूरे सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद, सबका। मैं आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, और आपका ही हूँ, बाकी मैं कंपनी भरती हूँ, और आपके पीछे ये काम चालू करा है। आपसे सबसे आशीर्वाद लेकर आया हूँ कि मैं अपना हक लेने मांग रहा हूँ आपसे, कि मैं आपका हूँ, तो मैं आपसे सबसे हाथ लेकर मदद करता हूँ, और हमारा समर्थन पूरा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग दिखाए हाजी अकील एक प्रत्याशी मजबूत है, और एक बात और बता रहा हूँ आपको, सभी सुनना, हाजी अकील एक प्रत्याशी मजबूत, बहन मायावती ने चुना जो है देखकर चुना है, और इस बात को सुनना भाई सभी, अगर हाजी अकील तुम्हारा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, जैसे भी यहाँ सब हैं, अगर ये नहीं जीता और आप लोगों ने हिम्मत नहीं लगाई, इन तीन गांवों को तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। ये पहला मौका आप लोगों को मिला है और आगे भी मिलेगा, और बहकाए में ना आए, सभी लोग दूसरे को ये दिखा दे हाजी अकील की जीत है, और किसी के बहकाए में ना आए, वन नंबर पे तुम्हारा चुनाव चल रहा है, और आपके परिवार में खड़ा हूं मैं, अगर मेरे लोगों को कोई भी सताएगा तो भाई सबसे पहले हाजी अकील तुम्हारे लिए खून पसीना बहाएगा।
बहुत बढ़िया। आपको ये महसूस होगा कि हमने कोई विधायक करा, हम तो आपके आगे हाथ भी जोड़ रहे हैं क्योंकि परिवार है। जब कल विधायक हो जाएंगे तो ये महसूस कर मत करना कि हाजी आखिल विधायक होंगे, ये महसूस करना कि हम विधायक हैं। जो यहाँ लोनी के अंदर, मैं बता दूं सभी को, सभी खड़े, जो लोनी के अंदर हिंदू मुसलमान का जो लोगों ने भरम फैलाया है भगवान के वास्ते, अगर हाजी आखिल अगर आप खड़े हैं सब बुजुर्ग, इस नफरत को कोई ना फैलाए जो नेता फैला रहे हैं, उनके बहकाव में ना आए सर, क्योंकि हमारा भाईचारा हमारा एक परिवार है, इनसे ही हमारा मान सम्मान है, आपसे ही हमारा मान सम्मान है। आपके मान सम्मान को अगर हाजी आखिल विधायक बन गए ठेस नहीं पहुंचेगा, आपको गर्व पैदा होगा, बच्चे बच्चों को गर्व पैदा होगा। इस भाईचारे को, भाईचारे के संबंध को आप और आगे तक लेकर के जाए, और बहन कुमारी मायावती जी को के हाथ मजबूत करें, आप जिता करके भेजेंगे तो बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी, और 2007 से लेकर 2012 तक जो 5 सालों की सरकार चली है और सर्वजन सुखाए और सर्वजन हिताए के नारे पे काम किया है, सभी सम्मानित साथियों के लिए काम किया है, सभी जातियों के लिए काम किया है, तो आगे भी बहन कुमारी मायावती जी आपके लिए वही सम्मान का काम करेंगी। जो आपकी सेवा करूंगा सबकी, जो राजद ना है विकास नाम की कोई चीज नहीं, आपकी सेवा करूंगा खुद लाजी सबके सामने, और बस मैं जाने लगा तो यही बात। चरण जी क्यों लगा हाजी साहब को ही? ठीक है, गांव का तीनों गांव मन कर इसे मायावती जी काम भी सही करवाऊं, मायावती जी सही करा और हाजी अकल साहब को पकड़ के भी ला सके, यूं लगे हां जी कौन ला सके जी हाजी अकल साहब को खूब पकड़ के ला सके जी, अपना है तीनों गांव अपने हैं, घर का आया है। अच्छा हाँ जी, अच्छा यहाँ पे मैंने देखा था हाजी अकल साहब भी पूरे हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था भैया मैं यहीं पे अपना कार्यालय ही बनाऊंगा, यहीं पे अपना गांव है, मेरा अपना घर है, तो लगता है कि अभी खड़खड़ी गांव का कहीं जोरों तक विकास हो पाएगा। हाँ जी पूरा भी सका पूरा होएगा जी। जब हम लोग आ रहे थे यहाँ पे काफी सारी रोडें भी टूटी हुई थी, चौड़ी रोड भी नहीं थी जबकि जरूरत भी थी यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगे आपका विकास हो पाएगा इस बार? अब विकास हो पाएगा जब अकेले हाजी अकेले होंगे तो हाजी अकेले होंगे हाँ, तो जब अपना हो जाएगा तो फिर जी ऐसे भी हो गए की मन ना लगे, कहीं कहे बीजेपी भैया, कहीं कहे कांग्रेस, लेकिन इस वक्त तो मन बना लिया, कैसा सा मन हो रहा है अभी? अभी मन हो रहा है तो बदल लो, मन तो अपने मतलब जो मन ना बनाते तो गाँव इकट्ठा खाए को पूरा पूरा गाँव इकट्ठा हो लिया, नहीं तो हाँ सही बात है, अपने अपने घर में होते, ये चौपाल है पूरे गाँव की चौपाल है, नीम का वृक्ष भी है, समुदाय केंद्र भी है, यहाँ पे भवन भी बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया जी, अकल की गल साथ हैं, पूरा सहयोग देंगे जी। आपको लगता है जातीय आधार की बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, काम की बात करेंगे जी, उसके साथ विकास के साथ है जी, विकास के साथ होंगे पूरे गांव को, लगता है कि जो विकास हो सकता है वो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में हो सकता है, क्योंकि उनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त होता है, उनका अनुशासन बहुत ज़बरदस्त होता है, पुलिस महकमा हो चाहे शिक्षक हो, वहाँ पे सबसे पहले ऑफिस के अंदर टाइम से आते हैं। क्या नाम है भाऊ जी आपका? इम्तियाज। इम्तियाज जी जी पूरा मन बना लिए हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाजी अकील के लिए, अकील के लिए सभी सड़ा ही काम है। अच्छा हाँ, अच्छा तो परिवर्तन क्यों? हाँ क्यों न परिवर्तन कहाँ, ये तो पूरा गांव है, तीनों गांव है हमारे, पूरा गांव इस वक्त मन बना के बैठा है, हाजी अकील साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। हाजी साहब पूरे गांव का आशीर्वाद आपको मिल रहा है खड़गड़ी के अंदर, तो क्या यहाँ पे अपना कार्यालय ऑफिस वगैरह होगा और क्या क्या चीजें आप इस गांव को देने वाले हैं वह बताएं, क्योंकि ये मीडिया भी है, वर्ल्ड वाइज पूरी दुनिया में आपकी खबर जाएगी और गाँव के सामने विटनेस भी रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने गाँव में खड़ा हूँ जी, मैं अपने बड़ों से माफी मांगना आया हूँ कि मैं आने थोड़ा लेट होगा जी किसी कारण की वजह से, और उसके बाद अगर मुझे आशीर्वाद मिल चुका है, उन्हें आपने देख लिया सब कुछ जी बिल्कुल, लेकिन मैं आशीर्वाद लेकर मैं विजय हो गया जी, तो सबसे पहले काम करूंगा, काम अपने गांव से चालू करूंगा जी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हाजी अकील साहब के सम्मान में बहुत सारी गाड़ियां उनको लेने भी गई थी और काफिला इतना बड़ा था कि हम लोग खुद आते आते आधे घंटे पीछे हो गए, करीबन 30-40 गाड़ियों का काफिला था। के अंदर पूरे सम्मान के साथ हाजी अकील साहब को समर्थन दे रहे हैं, धन्यवाद सर।